हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल सोना ड्रीम हाउस। और मेरा नहाना हो चुका है, नाश्ता हो चुका है। और हाँ, ये टेडी क्या कर रहा है, वो प्यारे से अपने बच्चे को कुछ दिखा रहा है। और वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है हमारे गणपति जी को। और जी हाँ, गणपति जी का भी नहाना हो चुका है, उनको हमने भोग लगा दिया है। और बस, तो आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरा वीडियो का सबसे नोटिफिकेशन पहले आपके पास आए। और देखते रहिए हमारा ब्लॉग और एंजॉय कीजिए। ये कढ़ाई पे 2 टेबल स्पून के जैसे मैंने तेल लिया है और उसमें कटी हुई भिंडी मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी, इसको तेज आंच पे फ्राई कर लूंगी। ये रेड होने पर और देखिए जिया भी आ चुकी है हेल्प करने के लिए, क्योंकि आज उसका टेस्ट नहीं हो रहा है और उसने अपने बालों का क्या किया है अभी उसको करने का टाइम नहीं मिला है। वो करती कहाँ है, हाँ वो ऐसे ही बैठी रहती है। अब ये देखिए ये लाल हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। बची हुई दाल पे हम ये आलू डाल देंगे और इसको भी रेड होने तक भूनेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला था क्योंकि बहुत कम हो गया था। और ये देखिए ये भी रेड रेड हो चुके हैं, अब इसको भी मैं निकाल लूंगी इसी भिंडी के साथ। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, राई और जीरा और ये कड़ी पत्ता। ये राई जीरा जब तड़क जाए अच्छे से तो ये पूरा भिंडी और आलू का जो भुना हुआ हमने रखा था ऑयल में उसको डाल देंगे और ये मिक्स करके इसके ऊपर अब सारे मसाले डालेंगे। ये जीरा पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये थोड़ी सी सांभर मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और बस इसको मिक्स, एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और देखिए अभी सब इसमें अलग अलग दिख रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ये कैसे एक दूसरे में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे। अभी तब तक हम इसको पकाएंगे, अब इसको हम ढक देते हैं। और ये देखिए जिया कहाँ आ गई है, वो अपने रूम में आ गई पढ़ाई करने के लिए और वो पढ़ाई कर रही है। क्या पढ़ रही है बेटा? मैथ्स बना रही है। मैथ्स बना रही है, अच्छा। हाँ, आपको एक अच्छी सी चीज दिखाती हूँ, देखिए वो पेंसिल शेडिंग से आई बनाई है, परसों बनाई थी ये, बहुत प्यारा। और एक उसने कुछ थॉट लिखे हैं, देखिए। और हाँ, ये अभी इसको ऐसे ही बीच बीच में निकाल कर मिला लेना है फिर से। अभी ये थोड़े और पकने बाकी हैं, देखिए 70% तो कुक हो चुके हैं बट थोड़े से और कुक होने बाकी हैं। इसको फिर से मैं ढक दूंगी। और ये देखिए अब ये पक चुके हैं, ये देखिए आराम से ये कट जा रहे हैं, ये आराम से। अब इसमें हम बस
3 चौक शुगर डालेंगे, क्योंकि इतने सारे मसाले डले हैं तो बैलेंस के लिए। और अब मैं लास्ट में डालूंगी ये कच्चा कोकोनट, जिसको मैंने क्रश कर लिया था, इसके ऊपर डाल दूंगी। मिक्स कर दूंगी, अब बस 2 मिनट मिक्स करके इसको फ्लेम को हाई फ्लेम में मिक्स करूंगी। और ये इसके इतने गर्म है कि इसमें खुद ब खुद वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये हो चुका और इसको मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये बन चुकी है। और ये देखिए, मैं पानी में ही ऐसे राइस बनाती हूँ। अब ये पकने बाकी है, हाथ से धोए हैं, अब ये और पकेंगे। अब ये देखिए ये पक चुके हैं जितना मुझे चाहिए, ये ऊपर आने लगते हैं, मतलब पक गए हैं। अब बस मैं इसका पानी निकाल लूंगी और ये देखिए ये मेरा हो चुका है। और ये हम ऐसे ही इतने ही पके पसंद करते हैं। और ये हमारे दाल हो चुके, और हम रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। कुछ काम से बाहर जा रहे हैं तो देखती हूँ, अगर शूट करते बनता है तो शूट करूंगी। अब हम बाहर आ चुके हैं, जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेना है और काम है, इनका भी काम है, तो बस जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है बाहर, ग्रीन टी पी जी, बारिश के बाद बहुत अच्छा हो जाता है मौसम। ऑर्डर की थी तो ये सारा सामान आ चुका है, 4-5 के आइटम था। तो मैंने सोचा आपने मेरे दोस्त को, तो मैं आपको आपके साथ उस चीज़ों को शेयर करूँ। तो मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि ये हमने जिया के लिए मैथमेटिक्स का बुक ऑर्डर किया था, वो आ गया है। और दूसरा हमने ये पॉट ऑर्डर किया, मिल्क पॉट बोल सकते हैं, टी पॉट बोल सकते हैं। ये हैंडी क्राफ्ट है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये घुस जा रही है अंदर आराम से। अब इसमें इसमें अगर मैं दूध या चाय रखूं तो छपा, इसलिए इसको मैं चेंज करने वाली हूँ। मतलब मैंने थोड़ा बड़ा साइज का भी मंगाया था और इसका डिज़ाइन भी कुछ अलग है, तो इसको तो मैं चेंज करने वाली हूँ। मैंने ये पॉट मंगाए हैं, ये देखिए 3 पॉट का सेट है। ये मैंने ऑर्डर किया था क्लियो का है और बहुत अच्छा लगा मुझे। इस पर शक्कर, चाय पत्ती और नमक रखने के लिए मैंने मंगाया। और देखिए इसके कितने प्यारे से ये दिया हुआ है, जिसके अंदर कंटेनर रखा हुआ है, बहुत प्यारा सा है। और मैंने ये रग मंगाया, लेकिन ये
बहुत सुंदर है और इसको मैं सोची थी कि एक्सरसाइज के लिए मंगा लूं करके योगा मैट के रूप में, बट ये देखिए बहुत मोटा है। इसको आप बेडरूम में बेड के सामने रख सकते हैं नीचे में, उसके लायक है, बट मुझे इससे थोड़ी सी पतली चाहिए। बट कॉटन का मटेरियल है, अगर आपको चाहिए तो देख ले सकते हैं इसको, बहुत प्यारा है, आप सर्च कर सकते हैं और अच्छी लगी। लेकिन मैं इसको चेंज करूंगी, काफी हैवी लग रही है। मैंने ये स्टैंड मंगाया है, बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत मस्त लग रही है। और ये देखिए व्यू हमारे कॉलोनी में, अभी बज गए हैं 6:45 और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या है ये किसी और दिन दिखाऊंगी। तो इसी ग्रीनरी के साथ, नेचर के साथ आज मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।